उसको प्यार के जाल में फंसा लिया, उसके बाद की उसका भूत सवार हो गया कि हम शादी इसी से करेंगे। लड़की सबको ऐसे ही फंसाती है, सबको। क्या लड़की, लड़की क्या, दोनों लड़की है, वो लड़की है, सबके साथ ऐसे किया। प्यार करते हैं, नहीं अब ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं किसी का जिंदगी, गलती किसी से भी हो सकता है ना, गलती ये है कि थोड़ा सा लगा किसी को। हाई वोल्टेज ड्रामा और मार पिटाई, आरोप और आरोपों पर पलटवार। उसको प्यार के जाल में फंसा लिया, उसके बाद की उसका भूत सवार हो गया कि हम शादी इसी से करेंगे। लड़की सबको ऐसे ही फंसाती है, सबको। क्या लड़की, लड़की क्या, दोनों लड़की है, वो लड़की है, सबके साथ ऐसे किया। जो हम इस बात को मानते हैं, प्यार करते हैं, नहीं अब ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं किसी का जिंदगी। एक शिक्षक पर दनादन चलते थप्पड़ के पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल यह पूरा वाक्य मुंगेर जिले का है। कासिम बाजार थाना क्षेत्र के लल्लू पोखर निवासी शिक्षक सूरज कुमार के प्यार में पागल एक छात्रा ने हाथ का नस काट खुदकुशी की कोशिश की। परिजन उसे लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, तभी शिक्षक सूरज कुमार भी वहां पहुंच गए। फिर क्या था, लड़की के परिजनों ने शिक्षक की पिटाई कर दी। परिजनों का आरोप है कि शादीशुदा होने के बावजूद शिक्षक ने लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया। आपकी कौन है लड़की? नतनी है। नतनी, आपकी नतनी को कौन तंग कर रहा है? ये सूरज सर। सूरज कौन है? ये पढ़ता था, ये मास्टर है। आपकी नतनी उसके यहाँ पढ़ती थी? साल भर से पढ़ रही थी। तो क्या किया ये आपकी नतनी? उसको प्यार के जाल में फंसा लिया, उसके बाद की उसका भूत सवार हो गया कि हम शादी इसी से करेंगे। अच्छा, तो सूरज सर शादी शुदा है कि कुमार? शादी शुदा है, उसको चाहिए। अच्छा, कि नहीं हम फंसावे प्यार। आपकी नतनी उसके फंस गई, कैसे पता चला? कैसे पता चला, दो नतनी जाती थी पढ़े ला। अच्छा, एक और नतनी बोली गई इसी के बात है। अच्छा अच्छा, ये पागलपन, घर में लड़ाई झगड़ा सबसे परिवार से करता था, हम शादी उसी से करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए हम लोग जाने सर। आज आप अस्पताल कहे आ गए? अभी फोन किया वो। अच्छा, फोन किया किसको? लड़कियाँ किया उसको। अच्छा, क्या बोला नहीं बोला, इनकार कर गया। हाँ, तो हाथ काट लिया। अच्छा, आपकी नतनी हाथ काट? हाँ, तो उसको यहाँ इलाज के लिए? इलाज के लिए आए सर, और उसको भी बुलाए। अच्छा, तो अब आपका क्या कहना है? कहना है चाहे वो रखे, चाहे तो उसका पीछा पानी छोड़ दे, यही ना होगा सर। वो कैसे, उसको तो शादी शुदा है, तभी रखिएगा। नहीं रखेगा तो कोई भी निर्णय देगा ना, तो उसका पीछा पानी छोड़ेगा ना कि फोन करेगा वो। हालांकि सूरज कुमार कहते हैं कि अगर वे गलत होते तो अस्पताल आते ही क्यों। पढ़ाते थे उसको? कब से? लगभग 2 साल से पढ़ाए हैं, लेकिन ऐसा बात ऐसा हुआ है कि ये कुछ दिनों की बात है। और चूँकि हम समझ रहे हैं बात को, तो हम इस बात को मानते भी हैं, प्यार करते हैं। नहीं अब ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं किसी का जिंदगी। अच्छा,
इसलिए आज अगर कॉल आएगा मेरे पास तो हम उसको बोले कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आराम से होंगे, क्योंकि इनके मम्मी पापा के साथ ऐसा बात हुआ है। तो मैंने हम समझ रहे हैं ना, गलती किसी से भी हो सकता है। तो गलती ये है कि थोड़ा सा हम लोग एडिक्ट हुए, लेकिन कोई गलत काम करने का इरादा नहीं था, इसलिए हम उसको मना किए। हम मना किए ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, उसने गुस्से में हाथ काट लिया। इसका जानकारी इसके मम्मी पापा को नानी को नहीं दे दिए कि आपकी बिल्कुल दिया गया नदनी को बोले थे नानी को बोले थे कि आपकी बच्ची गलत कर रही है। गलत का नाम हम नहीं लिए थे, लेकिन गलत कर रही है नहीं, ऐसा कर रही है ऐसा बोला गया, सब जान रहा था। और अभी मेरे को ऐसा इरादा नहीं कि कोई गलत काम करे। अभी हमको फट से बुलाया, हम सब से चले गए। हमको अगर इस बात का डर होता कि आप मेरे साथ गलत करने वाले हो क्यों आते थे, हम भी तैयारी में आते, ऐसा मेरे दिमाग में नहीं चलता है, ऐसा इंटेंशन भी नहीं है। हम चाहते हैं कि किसी का एक बेटी है, घर की इज्जत है, उसका बेइज्जती ना हो, और बाकी आरोप लगा के कोई फायदा है नहीं, कोई ऐसा कोई बात मेरी तरफ से नहीं। वो लोग जो कह रहे हैं वही सही है। देखिए ऐसा है, हड़बड़ में नहीं लिए। हम जानते हैं कि लड़कियों में थोड़ा आवेग होता है विशेष रूप से, कौन आवेग को कंट्रोल करते हुए हम सिर्फ उसको मैनेज करते हुए सिर्फ गलत करने का इरादा नहीं था। हम बोले आज कल अपना प्लेन हो जाए। कौन क्लास की छात्रा थी ये? बी ए पार्ट वन की छात्रा। क्या नाम था उसका? ज्योति कुमार। आप कहाँ? और अभी मेरा नाम तो सुरेश कुमार। क्या करते हैं? मैं टीचिंग करता हूँ। घर कहाँ है? ललू कहाँ पे? ये पढ़ने कहाँ से? घाटी है पर्सनल। ये पढ़ने के लिए आते थे पहले ये ललू पोखर नानी घर कहाँ है? नवाड़ी। क्या बात है, वहाँ से भी आती? नहीं नहीं वहाँ से आती, वो चली गई यहाँ से। बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में शिक्षक की पत्नी ने लड़की की मंशा पर ही सवाल उठाए हैं। लड़की सबको ऐसे ही फंसाती है, सबको। क्या लड़की? लड़की क्या? दो नंबर की है वो लड़की है। सुनिए सर, ऐसे की है। शांति से सुनिए। अच्छा, कै गो बच्चा है आपको? इसको दो बच्चा। देखिए सर, दो दिव्य कितना छोटा छोटा बच्चा है। बहरहाल इस प्रकरण को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। हालात को काबू करने के लिए कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल किसी की ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। रिपब्लिका न्यूज मुंगेर। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।